अब हम चौथी टाइप की इक्वेशन को स्टडी करेंगे। चौथी टाइप की जो इक्वेशन है उनकी हमारे पास जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी स्क्वेयर रूट प्लस पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर स्क्वेयर रूट इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एन। कि हमारे पास दो जो रेडिकल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं उनका जो सम है वो एक लीनियर फैक्टर के इक्वल है। ये सम भी हो सकता है, डिफरेंस भी हो सकता है। दो हमारे पास जो रेडिकल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं उनका सम या डिफरेंस जो है वो एक लीनियर फैक्टर के इक्वल होगा, और ये जो लीनियर फैक्टर होगा ये इन दोनों का कॉमन फैक्टर होगा। एक सिंपल एग्जांपल से इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 स्क्वायर रूट माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। इस टाइप की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ये जो दोनों रेडिकल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होंगे इनको किसी और चीज के इक्वल लेट कर लेंगे। लेट मैं इसको ए के इक्वल करता हूं। ए इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 स्क्वायर रूट, एंड बी इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 स्क्वायर रूट। यहां से अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5। तो मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये वाली, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, या ये इक्वेशन जो है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5। यहां से हम a प्लस बी की अगर वैल्यू फाइंड करनी हो तो वो आ जाएगी a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 ओवर a माइनस बी, और a माइनस बी की जो वैल्यू है वो हमें पता है एक्स माइनस 5। सो a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 ओवर एक्स माइनस 5, ये कैंसिल हो जाएगा। सो ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। अब हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू भी आ गई और ए माइनस बी की वैल्यू भी आ गई। हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए की और बी की। जब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। जब दोनों को ऐड करेंगे
तो हमारे पास आ जाएगा 2a is equal to 2x और a is equal to x. अब ये जो a की वैल्यू आई है a is equal to x, ये एक्चुअली वो वैल्यू है कि हमने a को किस चीज के इक्वल पुट किया था. हमने a को पुट किया था a is equal to 3x square minus 7x minus 30 square root. So actually x is equal to 3x square minus 7x minus 30 square root. दोनों साइड्स पे स्केयर ले लेंगे, स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा x square is equal to 3x square minus 7x minus 30. फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 2x square minus 7x minus 30 is equal to 0. Simply इस x square को इस साइड पे आगे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया. ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके हमारे पास फैक्टर्स बनेंगे 2x plus 5 and x minus 6 is equal to 0. Either 2x plus 5 is equal to 0 or x minus 6 is equal to 0. If 2x plus 5 is equal to 0, then x is equal to minus 5 by 2. And if x minus 6 is equal to 0, then x is equal to 6. दोनों को हम अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में चेक करके देखेंगे कि ये उसको सेटिस्फाई भी करते हैं या नहीं. जब हमने चेक किया तो ये देखा कि जो माइनस 5 बाई 2 है ये सेटिस्फाई नहीं करता. सो द सॉल्यूशन सेट इज ओनली 6. हमने चौथी टाइप की इक्वेशन को देखा जिनकी जनरल फॉर्म हमारे पास ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी स्केयर रूट प्लस पी एक्स स्केयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर स्केयर रूट इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एन. कि हमारे पास दो रेडिकल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का जो सम या डिफरेंस है वो एक लीनियर फैक्टर के इक्वल होता है और वो जो लीनियर फैक्टर है वो इन दोनों का कॉमन फैक्टर होता है. इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं इनको किसी और वेरिएबल के इक्वल पुट कर दिया. वेरिएबल के इक्वल पुट कर दिया तो ये हमारे पास जो इक्वेशन थी वो एक नई फॉर्म में आ गई. नई फॉर्म में इक्वेशन आई, यहाँ से हमने a माइनस बी की वैल्यू जो थी वो इस इक्वेशन को से देख के लिख ली और a प्लस बी की जो वैल्यू है वो फाइंड कर ली. देन दोनों को हमने दोनों इक्वेशंस को सम किया, वहां से a की वैल्यू फाइंड की. वो जो a की वैल्यू है वो एक्चुअली उस वेरिएबल की वैल्यू है जिसको हमने a के इक्वल पुट किया था या उस एक्सप्रेशन की वैल्यू है जिसको हमने a के इक्वल पुट किया था. सो हमने a के इक्वल पुट किया था 3x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 को. सो एक्चुअली ये जो नई वैल्यू आई वो उसके इक्वल हो गई और वहां से हमने सिंपल स्क्वायर लेके एड सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व किया तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया.